उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में राजस्थान भवन में वस्त्र मंत्रालय की ओर से पावर टेक्स इंडिया नामक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बुनकरों और पावर लूम संचालकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं की जानकारी दी गई और लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप आधुनिकता की तरफ जाइए, लूम का अपग्रेडेशन करिए, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए। देश में कंपटीशन है, जो राज्य जिन डिस्ट्रिक्ट में कंपटीशन में नहीं हिस्सा लेते हैं, परंपरागत उसी मशीन से काम करते हैं, वो बहुत पीछे रह जाएंगे, इसलिए कि उनकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, उनका उत्पादन ज़्यादा नहीं हो पाएगा और वो कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे और बहुत पीछे रह जाएंगे। एक सेमिनार कर रहे हैं, जो सेमिनार चल रहा है इसमें पावर लूम से संबंधित जितनी भी सब्सिडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और स्टेट गवर्नमेंट की, इन सब्सिडियों का प्रोसीजर बताएंगे कि कैसे लोग ले सकते हैं, भारत सरकार की स्कीमों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा नीचे से लोग लेके, दो लूम वाले से लेके और 2000 लूम वाले तक को दिया जाए। क्या चीज़ है, क्या किस चीज़ का आप यहाँ प्रति करने हैं? इसका पावर लूम इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए, पावर लूम इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कैसे मऊ के क्षेत्र में जो पुरानी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है इसको कैसे आगे किया जाए, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए। आज 100 RPM से स्पीड से 10 मीटर कपड़ा बनता है तो डेवलप जगह में 300 मीटर 500 मीटर की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा पावर लूम बनता है, तो वहाँ वर्कर भी कम लगते हैं, क्वालिटी ऑटोमेटिक की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, जो बिकने में दिक्कत नहीं आती, जो क्वालिटी और क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है, क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो इसके लिए हमारा प्रयास था कि पावर लूम वर्करों को बुलाया, पावर लूम एसोसिएशन को बुलाया, पावर चार्टर्ड अकाउंटेंटों को बुलाया है कि भाई आके लोगों को ब्रीफ करें, और बैंक वाले बैंक ऑफिसर आए हैं, स्टेट की DIC का वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए भी मिस्टर त्रिपाठी आए हुए हैं, तो ये हमारी वो है। और DM साहब भी, उनका मैसेज आया कि वो ऑन द वे हैं, आने वाले हैं।